हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक है हरियाणा पंचायती राज, और जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में जो मैं टॉपिक है वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले चाहे आप किसी इंडियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी को पता होगा जो भारत में पंचायती राज है वो 24 अप्रैल 1993 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। वो अलग बात है कि इससे पहले क्या है, राजस्थान के अंदर क्या है इसका वर्चस्व था, राजस्थान के अंदर क्या इसको अप्लाई करके देखा गया था, लेकिन पूर्ण रूप से भारत के अंदर क्या है वो 24 अप्रैल 1993 के अंदर क्या है, पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी। अब इसके बारे में देखो, ये डेट तो आपको याद रखनी है 24 अप्रैल 1993, क्योंकि यही डेट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि क्या है एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि अभी हरियाणा का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या है पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारी चीजें पूछ ली थी, ठीक है, और बच्चों को नहीं आइडिया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या है हरियाणा पंचायती जो राज व्यवस्था है उस पर तो वीडियो डाली हुई है, ठीक है। आज हरियाणा के भी थोड़ा सा पार्ट है और इंडियन जो पंचायती राज है उसका सबसे ज्यादा पार्ट है। तो जानते हैं अनुच्छेद फर्स्ट से, ट्राई करते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में आती है, 243वें अनुच्छेद में। किस में आती है, 243वें अनुच्छेद में। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन करके क्या है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू किया गया था, ठीक है। तो कौन सा संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर भी, ठीक है। पंचायती राज जो व्यवस्था है दोस्तों, देखो यहां पर देखो पॉइंट नंबर 3, पंचायती जो राज व्यवस्था है वो कौन सी अनुसूची में आती है, 11वीं अनुसूची में आती है, ठीक है। जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों वो कौन सी अनुसूची में आती है, 11वीं अनुसूची में, ठीक है। अब देखो पंचायती जो पंचायत है उसके टोटल कार्य, ठीक है, जो पंचायत होती है वो क्या है ग्राम, जो गांव है उसका विकास करने के लिए होती है। तो जो पंचायत के जो कार्य है वो क्या है, 29 कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पंचायती दिवस, अभी आप अपना जन्मदिन कब मनाते हो, जिस दिन आप पैदा हुए हो उसी दिन तो आप अपना जन्मदिन मनाते हो, तो 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू हुई थी, तो 24 अप्रैल को ही क्या है पंचायती दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पंचायती जो सूची है, जो पंचायती सूची है, अनुसूची की बात नहीं है, अनुसूची तो क्या है 11वीं अनुसूची में आता है, यहां पर गौर करो पूछा क्या गया है पंचायती सूची, ठीक है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र की सूची के अंतर्गत आता है या राज्य की सूची के अंतर्गत, तो क्या है इसका आंसर, राज्य की सूची के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखो पॉइंट नंबर 7 क्या है, पूर्ण रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत के अंदर किस राज्य के अंदर सबसे पहले पूर्ण रूप से लागू की गई थी, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है वो पूर्ण रूप से लागू की गई थी, ठीक है। और यहां पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो दोस्तों पॉइंट नंबर 8, जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत के अंदर, ठीक है, वो कितनी स्तरीय है, ठीक है, कई जगह पर द्विस्तरीय भी है, त्रिस्तरीय भी है, एक स्तरीय भी है, लेकिन अधिकतर जो भारत के राज्य है उसमें क्या है जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है त्रिस्तरीय है, क्या है त्रिस्तरीय है दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 9, भंग, अगर किसी कारण से क्या है चुनाव दोबारा से करवाने पड़ते हैं तो कितने महीने के बाद, मान लो कोई सरपंच है उसको हटा दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय के अंदर कितने समय के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं, 6 माह के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाने बहुत ही जरूरी होते हैं।
अभी नेक्स्ट देखो दोस्तों, आयु, आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर कोई सरपंच का उम्मीदवार बनना चाहता है आपके गांव में, ठीक है, तो उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो सारी बातें हैं वो क्या है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना, पूरी वीडियो को देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और एक और इसका जो पार्ट है वो हरियाणा पंचायती राज व्यवस्था है, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अभी आप यहां पर देखो आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष। अभी देखो हरियाणा के अंदर, देश के अंदर तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था, हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुई थी, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुई थी। अभी देखो दोस्तों यहां पर ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं वो कहां पर है, यमुनानगर में, और जो सबसे कम है वो कहां पर है, फरीदाबाद में है। तो दोस्तों एक मैंने ये प्रयास किया है कि जो आने वाला समय है, एग्जाम कब भी हो, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, आपको मैं इससे अवगत करवाऊं, ठीक है। क्योंकि जो भी मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243वां संशोधन, 73वां अनुसूची, 11वीं अनुसूची में आता है ये, ठीक है। पंचायत के जो कार्य होते हैं वो कितने होते हैं, 29। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, तो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायती जो राज व्यवस्था है वो कौन सी सूची में आती है, राज्य सूची में। पूर्ण रूप से कहां पर सबसे पहले लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश में। कितने स्तरीय है, तीन स्तरीय है। भंग चुनाव भंग भी हो जाए तो दोबारा 6 महीने में करवाने चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 21। हरियाणा में क्या है, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी है तो आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी ऐसी हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपसे यही निवेदन है कि एग्जाम की तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।